ये मेरे साथ क्या किया? मेरे सारे पैसे लूट लिए। कैसे अपनी दुकान चलाऊंगी? कैसे अपनी गैया को चारा खिलाऊंगी? कैसे अपने परिवार को पालूंगी? सड़क पर लाकर छोड़ दिया रे मेरे परिवार को। हे भगवान, अब मैं कैसे जीऊंगी? क्या हुआ है भैया? अरे भैया, आप क्या बताए, इस बेचारी सरिता के बैंक के लोन अकाउंट में से किसी ने सारे पैसे निकाल लिए। बड़ी मुश्किल से तो लोन मिला था इसको, अब कुछ नहीं बचा इसके पास, बड़ा धोखा हो गया। अब जाने दे सरिता, होनी को कौन टाल सकता है? इस कलयुग में तो हम गरीबों की भगवान भी ना सुनता। आप लोग भगवान को क्यों कोस रहे हो? भगवान थोड़े आए थे आपके पैसे चुराने। अरे भैया, 2 महीने पहले ये मीना, इसके साथ भी यही हुआ था। अब किस्मत ही खराब है तो कोई क्या करे, और इसके लिए भगवान को ना कोसे तो कहां जाए। दोष किस्मत का नहीं है, अपनी लापरवाही का है। भगवान हर जगह जाकर आपके पैसे की रक्षा तो नहीं कर सकते। अरे भाई, लेकिन इसका उपाय ही क्या है? हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, अब राम ही जाने क्या होगा। आपके हाथ में ही सब कुछ है, देखो यह अंगूठा। बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने इसका इस्तेमाल किसी के भी कहने पर यूं ही ना करें। अपने इस अंगूठे को किसी भी मशीन पर लगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि ये किस काम के लिए लगाया जा रहा है, और लगाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर इसकी जानकारी आई या नहीं। अरे भैया, फिर तो मोबाइल हमेशा अपने पास ही रखना पड़ेगा। सिर्फ मोबाइल अपने पास रखने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर भी आपके लोन अकाउंट के सिस्टम में अपडेट रखना होगा। इतना ही नहीं, अगर आपको अपने लोन खाते से संबंधित किसी ऐसे लेन देन की जानकारी वाला मैसेज आता है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो बिना देर किए अपने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बता दें, ताकि संबंधित अधिकारी आपकी शिकायत पर तुरंत और उचित कार्यवाही कर पाए। अरे भैया, मैं तो ये मोबाइल के तामझाम और झंझट में पड़ती नहीं, हाथ के हाथ नकद राशि दे देती हूँ, आगे वो कंपनी वाले भैया जाने। फिर तो अगला नंबर आपका ही है दीदी। है? वो कैसे? वो ऐसे कि आप नकद राशि कंपनी वाले भैया को देने के बाद ना ही इस लेन देन को अपने पासबुक में और सेंटर मीटिंग रजिस्टर में लिखवाती है। आपको लगता है कि नकद पैसे दे दिए और आपका काम खत्म हो गया, ये गलत है। पैसों के लेन देन में किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो डिजिटल रसीद आती है वही इस बात का प्रमाण है कि आपने नकद लेन देन किया है। सिर्फ इसी पे भरोसा करें और अपने साप्ताहिक सेंटर मीटिंग में भी अपने पैसों के लेन देन को अपने पासबुक और सेंटर मीटिंग रजिस्टर में जरूर लिखवाएं, और लिखी हुई नकद राशि और तारीख दोनों को जांच लें। पहले पता होता तो कितना नुकसान होने से बच जाता। खैर चलो, देर आए दुरुस्त आए। ये कलयुग है, यहां अपने पैसों की सुरक्षा आप ही कर सकते हैं। अपने पैसों की सुरक्षा स्वयं करें, उन्हें राम भरोसे न छोड़ें। बेहतरीन बात बताई भैया, आज के तारीख में कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता। नहीं है सब। भाई साहब कहाँ गए? अरे यहीं तो थे अभी। अरे अभी यही थे, कहाँ कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। नहीं, अरे लेकिन जाते जाते हम सबको हमारे पैसों के साथ में होने वाली धोखाधड़ी से बचाने के लिए रामबाण उपाय दिए गए। बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, आपके पैसों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, इसे राम भरोसे मत छोड़िए। जानकारी में है समझदारी।